आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ स्नैपड्रैगन 662 वर्सेस यूनी एसोसिएट 6610। यहाँ पे दोनों के अनाउंस डेट को देखते हैं। तो स्नैपड्रैगन अनाउंस हुआ था जनवरी 2020 में एंड यूनियन ऐसे अनाउंस हुआ था जून 2019 में। ऐसे और कंपैरिजन को जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। जो टॉपिक है आपको चैप्टर के वाइज देखने को मिल जाएगा सीपीयू, ग्राफिक्स, मेमोरी, कैमरा एंड डिस्प्ले, कनेक्टिविटी, गेमिंग एंड रिव्यू। उससे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ग्रुप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में, जाकर जल्दी से ज्वाइन कीजिए। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आर्किटेक्चर के साथ। दोनों प्रोसेसर जो है ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन में जो है 4 कोर 2 GHz क्लॉक क्रायो 260 गोल्ड कॉर्टेक्स A73 है एंड 4 कोर 1.8 GHz क्लॉक क्रायो 260 सिल्वर कॉर्टेक्स A53 है। यूनि में यहाँ पे 2 कोर 1.82 GHz क्लॉक कॉर्टेक्स A75 है, बचे हुए 6 कोर 1.82 GHz क्लॉक कॉर्टेक्स A55 है। नेक्स्ट आते हैं सीपीयू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे स्नैपड्रैगन में आपको 2000 पीक फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाएगी, वहीं यूनि में आपको 1800 मेगाहर्ट्ज की पीक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। सीपीयू फैब्रिकेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जिस भी प्रोसेसर का फैब्रिकेशन स्मॉल होता है वो बेटर होता है। वैसे आपने मेरे इतने सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे स्नैपड्रैगन की जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो 11 नैनोमीटर की है एंड यूनि एसोसी की जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो 12 नैनोमीटर की है। जीपी नेम पे यहाँ पे स्नैपड्रैगन के जीपी का नाम है एड्रीनो 610 एंड यूनि एसोसी के जीपी का नाम है माली G52MP2 एंड जीपी आर्किटेक्चर में स्नैपड्रैगन एड्रीनो 600 आर्किटेक्चर के साथ आता है एंड यूनि एसोसी बाईफ्रॉस्ट के साथ। जीपी फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे दोनों ही सेम है, 600 मेगाहर्ट्ज़ की जीपी फ्रीक्वेंसी दोनों की ही है। रैम टाइप पे यहाँ पे दोनों प्रोसेसर जो है LPDDR4X को सपोर्ट करते हैं। रैम फ्रीक्वेंसी में स्नैपड्रैगन बेटर है, 1866 मेगाहर्ट्ज़ की रैम फ्रीक्वेंसी देता है ये एंड यूनि एसोसी आपको 1800 मेगाहर्ट्ज़ की रैम फ्रीक्वेंसी देगा। वैसे ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा स्लाइटली बेटर है स्नैपड्रैगन। स्टोरेज में बात करें तो स्नैपड्रैगन में आपको UFS 2.1 देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छी बात है एंड दोनों में UMC 5.1 का सपोर्ट है। वीडियो कैप्चर एंड वीडियो प्लेबैक में आपको स्नैपड्रैगन आपको 4K 30fps का वीडियो कैप्चर देगा जबकि यूनि एसोसी आपको 1K 30fps का ही देगा एंड वीडियो प्लेबैक में भी स्नैपड्रैगन बेटर 4K 30fps का वीडियो प्लेबैक भी ये देगा एंड यूनि एसोसी में आपको 1K 30fps का ही वीडियो प्लेबैक देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले में बात करते हैं, स्नैपड्रैगन आपको 2520x1080 का डिस्प्ले सपोर्ट करके देगा एंड यूनि आपको 2160x1080 का ही डिस्प्ले सपोर्ट करके देगा। कनेक्टिविटी में दोनों प्रोसेसर जो है 4G प्रोसेसर है तो 5G यहाँ पे नहीं है कोई भी एंड 4G में स्नैपड्रैगन में LTE Cat 13 है जबकि यूनि एसोसी में आपको LTE Cat 7 ही देखने को मिलेगा। ब्लूटूथ में यहाँ पे दोनों में ब्लूटूथ अलग अलग है, स्नैपड्रैगन में ब्लूटूथ जो है 5.1 एंड यूनि एसोसी में आपको ब्लूटूथ 5 देखने को मिल जाएगा। कनेक्टिविटी में डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड में यहाँ पे आपको ब्लू लाइन से पता ही चल गया होगा स्नैपड्रैगन बेटर है। यहाँ पे स्नैपड्रैगन आपको 390 Mbps की स्पीड देखने को मिलेगी डाउनलोड की जबकि यूनि में आपको 300 Mbps की स्पीड देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आते हैं अपलोड स्पीड पे, स्नैपड्रैगन में आपको 150 Mbps की स्पीड देखने को मिलेगी एंड यूनि में आपको 150 देखने को मिलेगी जबकि यहाँ पे स्नैपड्रैगन आपको कभी कभार 200 Mbps देखने को मिल सकती है, इसलिए मैंने इसे ब्लू कलर में रखा है। अपने गेमिंग पे यहाँ पे 662 आपको पोको M3 में देखने को मिलेगा एंड यूनि एसोसिएट 610 आपको रियलमी C25Y में देखने को मिल जाएगा। पबजी मोबाइल के साथ स्टार्ट करते हैं, दोनों में जो फ्रेम रेट है अलग अलग देखने को मिलेंगे। यहाँ पे स्नैपड्रैगन में 30 एंड यूनि एसोसिएट में 40 देखने को मिलेंगे तब जब आप स्मूथ पे चला रहे हो तब। एंड यहाँ पे मैक्सिमम की बात करें तो स्नैपड्रैगन में आपको बैलेंस के साथ मीडियम ही देखने को मिलेगा जबकि यूनि में आपको HD हाई देखने को मिल जाएगा। थ्योरी मोबाइल की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रेम रेट दोनों में 40-40 का है एंड ग्राफिक्स में यहाँ पे स्नैपड्रैगन बेटर परफॉर्म कर रहा है, इसमें वेरी हाई के साथ आपको हाई देखने को मिलेगा एंड यूनि एसोसिएट में आपको मीडियम के साथ हाई देखने को मिल जाएगा। अगर आपको थ्योरी मोबाइल खेलना है तो डेफिनेटली स्नैपड्रैगन की तरफ जाइए एंड पबजी मोबाइल खेलना है तो आप यूनि एसोसिएट की तरफ जा सकते हैं। वैसे मैंने इसके पहले ही पूछा था आपको क्या फ्री फायर भी इसमें चाहिए तो आपने किसी ने कमेंट नहीं किया, तो अगर आपको फ्री फायर चाहिए या नहीं चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर रिव्यू की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन 662 का जो सीपी स्कोर है ये है 29 एंड यूनि एसोसी का 26। गेमिंग परफॉर्मेंस में स्नैपड्रैगन का 15 एंड यूनि एसोसी का है 12। स्नैपड्रैगन का स्कोर है 66 एंड यूनि एसोसी का है 57। अंतुतु स्कोर में स्नैपड्रैगन का स्कोर है 2,01,786 एंड यूनि एसोसी का स्कोर है 1,77,916। गीक बेंच को भी देख लेते हैं, यहाँ पे सिंगल कोर में स्नैपड्रैगन स्कोर करता है 312 एंड यूनि एसोसी स्कोर करता है 348। यहाँ पे सिंगल कोर में यूनि एसोसी काफी बेटर है। मल्टी कोर टेस्ट में यहाँ पे स्नैपड्रैगन का स्कोर है 1385 एंड यूनि एसोसी का स्कोर है 1098। यहाँ पे मल्टी कोर टेस्ट पे स्नैपड्रैगन बेटर है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।